नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिवनी जिले के लखना दौन तहसील में आने वाले ग्राम गणेशगंज में आज नर्मदा जी के भक्तों द्वारा विशाल चुनरी पदयात्रा का शुभारंभ नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में गांव के हनुमान मंदिर से प्रारंभ की गई है। सर्वप्रथम यात्रा के प्रारंभ में वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज का पूजन किया, तत्पश्चात यात्रा का शुभारंभ हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ माँ खेरापति माता जी का पूजन कर यात्रा का प्रारंभ हुआ, जिसमें गाँव और क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव के लोगों द्वारा यात्रा के स्वागत में जगह जगह तिलक वंदन करते हुए नर्मदा भक्तों का स्वागत किया गया। इस विशाल चुनरी पद यात्रा में लगभग 300 से अधिक लोग शामिल हैं। जो यात्रा आज से प्रारंभ हुई है वो नर्मदा जयंती के दिन नरसिंहपुर जिला के बरमान में सूरजकुंड नर्मदा घाट पर पहुंचकर चुनरी अर्पित कर यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा का आयोजन गणेशगंज क्षेत्र के युवा वर्ग के लोगों द्वारा विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिन्होंने बताया कि नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली पैदल पद यात्रा का ये लगातार 6वां वर्ष है। ये लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा 4 दिनों में पूर्ण की जाती है और नर्मदा जयंती के दिन सूरजकुंड में पहुंचकर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाकर स्नान आदि कर महाआरती के साथ चुनरी पद यात्रा का समापन किया जाता है। वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन नर्मदा तट पर किया जाता है। कि आज हमारी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा के 6 साल पूरे हो गए हैं और हम आज 4 फरवरी 2022 को अपनी बरमान यात्रा के लिए स्थान कर चुके हैं। सभी लोग कोरोना महामारी के बीच में गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पालन करते हुए बरमान के लिए निकल चुके हैं और नर्मदा मैया से आशा है कि वो हमारी यात्रा सफल करेंगी और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जी बताएं, नर्मदा यात्रा चुनरी पद यात्रा निकाली गई है, कितने वर्षों से निकाली जा रही है और ये कितने दिनों के लिए है और कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? ये यात्रा हमारी होती है 120 किलोमीटर की, गणेशगंज से बरमान के लिए जाती है और ये विगत 6 वर्षों से निकाली जा रही है और इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होते जा रही है। प्रतिवर्ष 100-200 लोग इसमें बढ़ जाते हैं, इस साल लगभग 500 लोग हैं और बीच में 4 पड़ाव रहते हैं, रुकते हुए जाते हैं हम लोग। ये किस अवसर पर निकाली जाती है? ये माई नर्मदा जी की जयंती है 8 तारीख को, यहाँ से हम 4 दिन पहले निकलते हैं। ये कहाँ के श्रद्धालु लोग इस चुनरी यात्रा में शामिल होते हैं? यहाँ हमारा ये मेन क्षेत्र होता है गणेशगंज का और इसके आसपास जो क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ से लगा के सुनवारा तक, सुनवारा सकरी बदनौर जोगी गुफा सहजपुरी मोतिया बिजना लामटा हर रही ऐसे सब आसपास क्षेत्र के लोग रहते हैं।